हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पनाओं के बारे में। ये वीडियो इस टॉपिक से संबंधित पार्ट थर्ड है। इससे पहले भी दो वीडियो बनाए जा चुके हैं। इस टॉपिक को पूरा समझने के लिए उन दोनों वीडियो को आप अवश्य देखें। तो आज हम चलते हैं बिग बैंग तथा स्पीति सिद्धांत को समझने के लिए। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की रचना की एक वैज्ञानिक थ्योरी है। इस थ्योरी में यह बताने की कोशिश की गई है कि यह ब्रह्मांड कब और कैसे बना। जैसे कि हमने पहले की थ्योरीज में पढ़ा था कि जो ब्रह्मांड की रचना हुई है, इसके बारे में अभी भी बहुत सारे ऐसे अनसुलझे तथ्य हैं जिसके बारे में अभी भी बहुत सारी खोज जो है वो करनी है। इसी कड़ी में हम बिग बैंग तथा स्थिति सिद्धांत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्मांड में अचानक एक विस्फोट हुआ जिससे सामान्य पदार्थों का निर्माण आरंभ हुआ और अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ। इसमें इस बात पे स्ट्रेस किया गया है कि ब्रह्मांड में एक बहुत ही महाविस्फोट हुआ और उससे जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में निकली, उसका उत्सर्जन हुआ। ये जो सिद्धांत है, ये बताता है कि दूर की आकाश गंगाएं हमसे दूर क्यों जा रही है। हमें यह भी बताता है कि जिस गति से वे हमसे दूर जाते हैं, वह दूरी के समानुपाती क्यों होती है। और यह भी बताता है कि क्यों दिखाई देने वाले अधिकांश ब्रह्मांड हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इनकी ये जो सिद्धांत है, इसमें बहुत सारे जो तथ्य हैं आकाश गंगाओं के बारे में, और अलग अलग जो बहुत सारे ग्रह हैं, तारे हैं, उन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड हमेशा अस्तित्व में नहीं था। यानी कि इसमें सबसे पहले इस बात को माना गया है कि जिस प्रकार से आज हमें ब्रह्मांड दिखलाई दे रहा है, यह है किसी समय करोड़ों अरबों वर्ष पहले इस प्रकार का नहीं था। शुरुआती ब्रह्मांड गर्म यानी कि हॉट और घना डेंस था। जैसे जैसे समय बीतता गया, ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और वह ठंडा और कम घना होता गया। यानी कि शुरुआत में ऐसा माना गया है कि जो ब्रह्मांड है ये गर्म था, बहुत ज्यादा घना और डेंस था, और समय के साथ साथ में धीरे धीरे ये ठंडा होता गया और जो डेंस है वो कम होता गया। ये बिग बैंग सिद्धांत के आरंभ का इतिहास आधुनिक भौतिकी में बेल्जियम निवासी जॉर्ज लेमेत्रे ने ब्रह्मांड, आकाशगंगा तथा सौर मंडल की उत्पत्ति के लिए किया था। यानी कि सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि इस सिद्धांत के बारे में जो सबसे पहले जो बात कही थी, वो बेल्जियम निवासी जॉर्ज लेमेत्रे ने अपनी बात कही थी। बाद में अमेरिकी खगोल शास्त्री एडविन हबल ने वर्ष 1929 में यह बताया कि सभी गैलेक्सी एक दूसरे से सिकुड़ रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। बाद में जो अमेरिकी खगोल शास्त्री हबल ने, उन्होंने भी ये बताया कि जो गैलेक्सी है वो एक दूसरे से सिकुड़ते जा रहे हैं और ब्रह्मांड का भी निरंतर विस्तार जो है वो हो रहा है। हबल ने हमारी गैलेक्सी के अलावा अन्य गैलेक्सियां खोजकर ब्रह्मांड के बारे में अवधारणा बदल ला। लेकिन हबल ने जो हमारी जो गैलेक्सी है उसके अलावा दूसरी जो गैलेक्सी है उसके बारे में भी उन्होंने बताया। उन्होंने यह भी खोज निकाला कि कोई गैलेक्सी पृथ्वी से जितनी दूर होती है, उससे आने वाला प्रकाश का डॉपलर प्रभाव उतना ही अधिक होता है, यानी कि उसमें लालिमा अधिक प्रतीत होती है। उन्होंने, हबल ने यह भी बताया कि जो गैलेक्सी है वो पृथ्वी से जितनी दूर होती जाएगी, जो प्रकाश से आने वाला डॉपलर है यानी कि उसकी लालिमा है, वो ज्यादा प्रतीत होगी। और जो हबल ने जो ये बात बताई, इसका नाम हबल सिद्धांत रखा गया और इसका सीधा अर्थ यह निकलता है कि हमारा ब्रह्मांड निरंतर बढ़ती हुई गति से फैल रहा है। यानी कि जो ब्रह्मांड है वो उसका विस्तार जो है वो हो रहा है।
महाविस्फोट सिद्धांत दो मुख्य धारणाओं पर आधारित है, पहला भौतिक नियम यानी कि फिजिकल रूल और दूसरा ब्रह्मांडीय सिद्धांत यानी कि कॉस्मिक थ्योरी। 1964 में ब्रिटिश वैज्ञानिक पीटर हिग्स ने महाविस्फोट के बाद एक सेकेंड के अरबवें भाग में ब्रह्मांड के द्रव्यों को मिलने वाले भार का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। यानी कि जो 1964 में ब्रिटिश वैज्ञानिक पीटर हिग्स ने भी जो बिग बैंग की थ्योरी है उसमें बताया कि एक सेकेंड के अरब भाग में जो है ब्रह्मांड से निकलने वाले जो पदार्थ हैं वो उसका जो उन्होंने उसका एक सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत का नाम दिया भार का सिद्धांत। यहां पर ये इस डायग्राम में बताया गया है कि किस प्रकार से जो फर्स्ट सेकेंड है उसमें महाविस्फोट हुआ और उसके बाद में धीरे धीरे किस प्रकार से जो ग्रह उपग्रह उनका निर्माण हुआ। ब्रह्मांड आकाशगंगा तथा उनके सदस्य तारों तथा ग्रहों की उत्पत्ति की समस्या के समाधान के लिए ब्रह्मांड के अदृश्य घटकों अर्थात काले पदार्थों के अस्तित्व के आधार पर प्रयास किए गए थे। इनकी जो ब्रह्मांड है, आकाशगंगा है और दूसरे ग्रह उपग्रह तारे हैं, उन सब की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और उसके निर्माण के लिए ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे अदृश्य पदार्थ जिनको काले पदार्थ ब्लैक होल मेटल्स के नाम से संबोधित किया गया है उसको जोड़ के इनको समझाने का जो प्रयास जो है वो किया गया है। आकाशगंगा के निर्माण के विषय में वैज्ञानिकों के दो विकल्प वैकल्पिक विचार हैं। काले पदार्थों का अस्तित्व गर्म या ठंडे हॉट और कोल्ड फॉर्म्स के रूपों में रहा है। गर्म काले पदार्थ की स्थिति में आकाशगंगाएं दूर दूर होंगी जबकि ठंडे पदार्थों की स्थिति में वे झुंड में होंगे। इनकी जो ब्लैक जो मेटर्स है ब्लैक फॉर्म्स है इसमें यह बताया गया कि जो काले गर्म पदार्थ है उनमें तो आकाशगंगाएं दूर दूर होंगी और जबकि ठंडा जो पदार्थ है उसमें ये एकदम से नजदीक नजदीक झुंड में होंगी। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 13.7 बिलियन वर्ष पहले घने पदार्थों वाले विशाल अग्निपिंड फायरबॉल के आकस्मिक महाविस्फोट तथा उससे उत्पन्न विकिरण के कारण हुई है। बिग बैंग सिद्धांत में इस बात पर बल दिया गया है कि लगभग 13.7 बिलियन वर्ष पहले एक विशाल फायरबॉल थी और उसमें महाविस्फोट हुआ, अचानक महाविस्फोट हुआ और उससे जो उत्पन्न विकिरण है उनके कारण से ब्रह्मांड में जो अलग अलग ग्रह है उपग्रह है इन सब का निर्माण जो है वो हुआ हुआ माना जाता है। इन पदार्थों का प्रारंभिक सामान्य पदार्थ नॉर्मल मैटर कहा गया। शीघ्र ही सामान्य पदार्थों के अलगाव के कारण पदार्थों का सृजन हुआ। इनकी जो सामान्य पदार्थ हैं नॉर्मल मैटर है इनके कारण से इनके अलगाव मतलब इनके दूर होने से अलग होने के कारण से काले पदार्थों का निर्माण हुआ। इन काले पदार्थों का आपस में समूह होने से अनेक पिंडों का निर्माण हुआ। इनके जो काले पदार्थ है ये आपस में एक जगह इकट्ठे हो गए और इनके इकट्ठे होने से अनेक पिंड है उनका निर्माण हुआ। इन पिंडों चारों ओर सामान्य पदार्थों का जमाव होने लगा जिस कारण इनका आकार बढ़ सके। यानी कि इन पिंडों के चारों ओर जो सामान्य पदार्थ है उनका जमाव होने लगा और धीरे धीरे इनका जो आकार है साइज है ये भी बढ़ने लगी। इन पिंडों के आकार में वृद्धि होने से आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। कि जैसे जैसे समय के साथ में ये जो पिंड है इनका आकार बढ़ा उसके साथ ही आकाशगंगाओं का निर्माण है निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी प्रारंभ हो गई। प्रारंभ में ब्रह्मांड अत्यधिक छोटा था परंतु इसमें त्वरित गति से फैलाव होने लगे। यानी ये माना गया कि शुरू में जो ब्रह्मांड है ये इसका जो साइज है आकार ये छोटा था लेकिन धीरे धीरे इसकी जो गति है इसमें फैलाव जो है इससे होने लगा। परिणाम स्वरूप आकाशगंगा जो प्रारंभ में पास पास थी वे निरंतर दूर होती गई। यानी कि धीरे धीरे इनमें जो दूरी है इनका जो फैलाव है वो होने लगा। अपने निर्माण से आज तक ब्रह्मांड आकार में लगातार फैलता रहा है तथा उसके पदार्थ शीतल होते रहे हैं। यानी कि ऐसा माना जाता है कि जो ब्रह्मांड है वो अपने निर्माण से लेकर अब तक लगातार फैल रहा है और उसमें जो शीतलता है उसमें जो पदार्थ है वो धीरे धीरे
शीतल यानी कि ठंडे होते जा रहे हैं। यहां पर ये बिग बैंग थ्योरी का एक डायग्राम जो है वो बताने का इसमें प्रयास किया गया है। आकाशगंगाओं का भी भयंकर विस्फोट हुआ तथा विस्फोट से निकले पदार्थों के समूह से बने असंख्य पिंडों द्वारा प्रत्येक आकाशगंगा के तारों का निर्माण हुआ कि आकाशगंगा में भयंकर विस्फोट हुआ और विस्फोट से उनमें जो पदार्थ निकले वो आपस में एक जगह इकट्ठा होने लगे, समूह में बनने लगे और बहुत सारे पिंडों तथा तारों का जो है वो धीरे धीरे निर्माण जो है वो प्रारंभ हुआ। प्रत्येक तारे के विस्फोट के कारण उत्पन्न पदार्थों के समूहन द्वारा ग्रहों का निर्माण हुआ, यानी कि जो तारे थे उनके विस्फोट से जो उत्पन्न पदार्थ थे उनके क्लस्टर्ड समूह द्वारा जो है प्लेनेट्स और ग्रहों का निर्माण भी हुआ वह माना जाता है। अमेरिकन खगोल वैज्ञानिक एलन गूथ ने 1980 में बिग बैंग सिद्धांत को ब्रह्मांड की उत्पत्ति की समस्या को सुलझाने में असमर्थ पाया, अतः इन्होंने स्पीति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी कि आगे चलकर जो एलन गूथ थे उन्होंने ऐसा माना कि जो बिग बैंग सिद्धांत है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई इस समस्या को सुलझाने में इन्होंने इस सिद्धांत को पूरा पूर्ण नहीं माना, अतः उन्होंने इसी में कुछ एड करते हुए एक नया सिद्धांत जो है स्पीति सिद्धांत इन्फ्लेशनरी थ्योरी का प्रतिपादन इन्होंने 1980 में किया। एलन गूथ की अवधारणा है कि ब्रह्मांड के दृश्य द्रव्यमान विजिबल मास के घनत्व की तुलना में उसका वास्तविक घनत्व बहुत अधिक है। यानी कि एलन गूथ ने इस बात पे बल दिया कि जो ब्रह्मांड है उसमें जो विजिबल मास है विजिबल मास की तुलना में जो वास्तविक घनत्व है वो ज्यादा है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि ब्रह्मांड में अदृश्य काले पदार्थ डार्क मैटर पार्टिकल्स का अस्तित्व है। यानी कि इससे ये निष्कर्ष निकला कि ब्रह्मांड में जो काले पदार्थ है डार्क मैटर पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा है। यद्यपि बिग बैंग तथा स्पीति सिद्धांत लगभग एक जैसे यानी कि इनमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं है क्योंकि उनकी कई मान्यताएं समान है। उनमें अंतर मात्र इतना है कि विशालकाय अग्निपिंड के विस्फोट की एक सेकंड में किस प्रकार की घटनाएं घटियां की लगभग इनमें समानता, लेकिन अंतर इस बात का ही है कि जो शुरू में ये जो माना गया कि विशालकाय एक अग्निपिंड है और उसका उसमें विस्फोट की एक सेकंड में किस प्रकार की घटना घटी सिर्फ इसी बात का इनमें अंतर देखने को मिलता है। स्फीति सिद्धांत के अनुसार विशाल का अग्निपिंड के जोरदार विस्फोट के बाद अति अल्प काल में ब्रह्मांड का असाधारण त्वरित गति से फैलाव स्फीति हुआ। यानी कि जो विशाल का अग्निपिंड था उसका बहुत जोरदार जो है विस्फोट हुआ और उसका जो बिल्कुल एक सेकंड से भी कम समय का जो समय था उसमें किस प्रकार की घटना हुई और उसका फैलाव किस प्रकार से हुआ उसी बात पर इसमें बल जो है वो दिया गया है। यहां पर ये इस स्लाइड में जो डार्क मैटर्स है उनके एक पिक्चर जो है वो दिखलाई गई है। इस प्रक्रिया के दौरान एक सेकंड के अल्पांश यानी कि एक सेकंड के भी माइनर समय के अंतर्गत ही ब्रह्मांड के आकार में कई गुना वृद्धि हो गई ऐसा इसमें माना गया है। काले पदार्थ अर्थात डार्क मैटर पार्टिकल्स के समूह यानी कि क्लस्टर से आकाश गंगाओं यानी कि गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। इनके विस्फोट से उत्पन्न पदार्थों के समूहन से क्लस्टर से निर्मित पिंडों द्वारा तारों का निर्माण हुआ तथा तारों के विस्फोट से उत्पन्न पदार्थों के समूहन यानी क्लस्टर और उनके संकटन ठोस होने से निर्मित पिंडों से ग्रहों का निर्माण हुआ। यानी कि पृथ्वी का निर्माण भी इसी प्रकार से जो तारे थे उनके विस्फोट से जो निर्मित पिंड है और उनके संकेत होने से हुआ माना जाता है। अब हम देखते हैं निष्कर्ष या कंक्लूजन के रूप में कि ये जो सिद्धांत हमने पढ़े हैं इनके निष्कर्ष और कंक्लूजन जो किस प्रकार से हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में कोई भी परिकल्पना पूर्ण नहीं है, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई उसके बारे में जितनी भी परिकल्पनाओं को हमने अध्ययन किया वो अपने आप में पूर्ण नहीं है क्योंकि इन परिकल्पनाओं में जो भी बात कही गई है वो अभी भी कोई
प्रमाणिक या ठोस बात नहीं है कि किस प्रकार से पृथ्वी और दूसरे ग्रहों का निर्माण हुआ। केवल जो वैज्ञानिकों ने अपनी समझ और जिस उस समय उनको जितना ज्ञान था, जितना नॉलेज था, उसके आधार पे अपने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। लेकिन जो भी इन्होंने सिद्धांत बनाए हैं वो कोई एकदम से प्रमाणिक नहीं है कि ये जो सिद्धांत किसी भी वैज्ञानिक ने बनाया है ये एकदम से किसी भी ग्रह, पृथ्वी या उपग्रह के निर्माण के विषय में बिल्कुल सटीक है, ऐसा नहीं है। इन परिकल्पनाओं के अध्ययन से हमें केवल विद्वानों के विचारों का ही पता लगते हैं कि ये जो जितनी भी हाइपोथेसिस है, परिकल्पनाएं हैं, इनसे केवल उस समय जो वैज्ञानिक थे, विद्वान थे, उनके विचार क्या थे ब्रह्मांड के निर्माण के विषय में, पृथ्वी के निर्माण के विषय में, केवल उनके विचारों का पता हमें लगता है। अंतरिक्ष खोजों से भविष्य में कुछ और प्रमाणिक जानकारी जो है वो मिल सकती है। इनकी अभी बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी जो है वो आ चुकी है और अंतरिक्ष की जो खोज है अभी भी जारी है, तो इन खोजों के बाद में, इन रिसर्च के बाद में कुछ ठोस जानकारी है, ऑथेंटिक जो जानकारी है वो बाद में हमें मिल सकती है। इसी प्रकार ये जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। इस टॉपिक से संबंधित आपको कुछ और बुक्स का अध्ययन करना है तो आप इन बुक्स का अध्ययन जो है वो कर सकते हैं। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।